गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बंगला स्कूल और आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो वीडियो है वो दुर्गा पूजा की तैयारी चेक करने पे कि रांची में जो जो दुर्गा पूजा पंडाल बन रहे हैं वो एक्चुअल में कैसे बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, कौन सा ज़्यादा बेस्ट बन रहा है। तो उसके लिए हमने सोचा क्यों ना एक बार चेक किया जाए पूरे रांची के पंडाल को। इसलिए जो सबसे पहला हमारा आज का पंडाल है वो है रांची का ऑब्वियसली बंगला स्कूल, जो कि आप कह सकते हो हमेशा टॉप 3 टॉप 4 में तो नो डाउट रहता ही रहता है। तो चलो अंदर चल के चेक कर लेते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। तो हमारे साथ हैं अभी राजेश जी और ये हैं सुमन जी। थोड़ा बताइएगा हमारे व्यूअर को कि पंडाल का थीम क्या है। पंडाल का थीम है एक टुकड़ा राजस्थान। अच्छा, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा आपको? बनाने में शुरू दो महीने से शुरू हुआ है। दो महीना से। और यहाँ पे खर्चा का बात करें तो किस पंडाल को बनाने में कितना का अप्रोक्सीमेट खर्चा पड़ा है? ये पूरा कंप्लीट 40 लाख। तो मैं व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप हमारे पूजा पंडाल में आए। माता का पट हम लोग 5 तारीख के शाम 7 बजे खोल देंगे। तो अगर बंगला स्कूल आपको आना है तो 5 तारीख शाम 7 बजे पट खुल जाएगा, गेट जो है वो सबके लिए खुल जाएंगे। तो 5 तारीख 7 बजे याद रखिएगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने अगले पंडाल की तरफ। आ चुके हैं रांची के सबसे फेमस दुर्गा पूजा पंडाल में, जो कि है बकरी बाजार पंडाल। चलिए अंदर भी देख लेते हैं कि इस बार इनका थीम क्या है। तो इनका भी जो इस बार का थीम है वो राजस्थानी ही है, लेकिन अगर आप इनका डेकोरेशन देखोगे ना वो बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप उसको बंगला स्कूल के साथ कंपेयर करोगे तो। बिकॉज वो भी राजस्थानी ही थीम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में जो डेकोरेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही दोनों का डेकोरेशन प्यारा लग रहा है। हालांकि इनका भी डेकोरेशन अभी कंप्लीट तो ऑब्वियसली नहीं हुआ है, टाइम तो लगना ही लगना है, लेकिन जितना भी हुआ है ना अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड ये जो पंडाल है ये रांची वालों का हमेशा से बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा भी है, बिकॉज यहाँ पे जो पंडाल रहता है वो हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल तो रहता ही रहता है, लेकिन बाहर का जो इनका एरिया है ना उसको में भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट फैक्टर भी आ जाता है। बिकॉज जब पूजा आता है तो लोग थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको खाने पीने के स्टॉल्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज यहाँ पे झूला भी मिलता है, आप लोगों को मौत का कुआं भी मिलता है। मतलब हर एज ग्रुप का जो बंदा है वो इस वाले पंडाल में जो डेफिनेटली इंजॉय करता ही करता है। एंड भीड़ भी भैया उसी हिसाब से इस पंडाल में रहती है, तो अगर स्टार्टिंग में आ जाओगे तो खाली खाली में घूम लोगे, नहीं तो भैया आखिरी में आओगे तो धक्के खाते खाते घूमोगे। तो नो डाउट ये जो पंडाल है ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा इन्होंने बनाया है। तो ये था रांची का सबसे फेमस बकरी बाजार पंडाल। अब चलते हैं अपने अगले लोकेशन पे। अभी हम लोग हैं रांची के बहुत ही फेमस RCC क्लब में, और जो हमारे पीछे का पंडाल देख रहे हो आप ये लगभग लगभग बन करके तैयार है। और यहाँ पे हमारे साथ है गोरंगो दास जी, जो यहाँ का पूरा पंडाल का कारोबार एकदम संभाल करके रखे हैं। तो यहाँ का इस बार का थीम क्या है? थीम का दुर्गा माँ का नया रूप गुड़िया होता है। अच्छा, बहुत मेहनत करके हम लोग बनाया था। अच्छा, इसको बनाने में लगभग लगभग खर्चा कितना आया?
वो हम लोग का मालूम है ना, वो मालिक का मालूम है। अच्छा, कितना टाइम हो गया बनाते हुए आप लोग को? 3 महीना लग गया। 3 महीना लग गया। अभी कितना कम्प्लीट है? हो गया, ज्यादा बाकी है अभी है। मतलब 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो चलिए, हर बार यहाँ का जो पंडाल रहता है वो बहुत ही सुंदर रहता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे दुर्गा माँ का जो दूसरा रूप है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अंदर से भी एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस बार का जो पंडाल है वो आप लोग कुछ इस तरह से दिखने वाला है, हालांकि ये अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है, भैया यहाँ पर भी कर रहे हैं, यहाँ पर भी भैया लोग काम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारा पंडाल यहाँ पे बन रहा है। और अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊँ तो अंदर से भी यहाँ पे देख सकते हो, ऊपर का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। एंड दीवारों को भी अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो पूरा दीवार का भी काम जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी टाइम तो बहुत लगेगा, 5-6 दिन जो इन्होंने कहा है वो टाइम इनको आराम से लगने वाला है, लेकिन अभी से ही जो पंडाल है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब चलिए चलते हैं अपने अगले पंडाल की तरफ। अभी हम लोग आए हुए हैं रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल में, और यहाँ का जो पंडाल है वो हर बार की तरह बहुत ही ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। और इस बार जो इन्होंने जो पहले ये बनाते थे ना, बड़ा वाला अंदर वाला एरिया, तो वहीं पे ये वाला पंडाल जो है वो बनाया जा रहा है। और अभी काम जो है यहाँ पर भी भैया हर जगह काम जो है वो ज़ोरों शोरों से ही चल रहा है। आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इनका जो पूरा सेटअप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति जो है वो आपको एंट्रेंस में ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चल रहा है पेंट का वर्क, तो यहाँ पे 3 पेंटिंग तो ऑलरेडी बन चुकी है, और जो तीनों पेंटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। एंड अभी पेंटिंग का काम चल रहा है, तो वो वाला सेक्शन भी पेंटिंग का भी बचा हुआ है, एंड कंप्लीट हो जाएगा तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा। अच्छा, यहाँ से भी अंदर जाने का है तो यहाँ से भी एक बार देख ही लेते हैं। अंदर का आप ये वाला सेक्शन देखो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। और यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी घंटियाँ जो है वो रखी हुई हैं डेकोरेशन के लिए। वहाँ देखोगे तो शिवलिंग रखा हुआ है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो माँ की जो मूर्ति है वो भी आ चुकी है, हालांकि उसको अभी तक ढका हुआ है, ऑब्वियसली अभी नहीं खोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ से एक बार मैं वापस से आपको यहाँ का टूर दिखा देता हूँ। तो ये लो यहाँ का 360। ये सारी चीज़ों पे अभी मत जाना, ये सारी चीज़ें अभी इनकम्प्लीट हैं, एक बार कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये एरिया हर बार की तरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पंडाल की तरफ, जिसको इस बार कहा जा रहा है हो सकता है इस बार रांची का नंबर 1 पंडाल हो। तो चलो वहीं पे मिलते हैं। तो अभी हम लोग जिस लोकेशन पे हैं, आप कह सकते हो कि हो सकता है ये रांची का इस बार का सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल हो। अभी हम आए हैं ध्रुवा दुर्गा पूजा पंडाल, और यहाँ पे बन रहा है राम मंदिर। पर मेरे को लग रहा है कि क्यों इस बार यही हो सकता है नंबर 1 हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा इस बार नंबर 1 रहेगा। ये लीजिए इसका पहला लुक, और आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग बना है।
मतलब राम मंदिर का आप समझ सकते हो बिल्कुल जेरोक्स बहुत ही अच्छी तरह से बनाया है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये जो पंडाल है इसको बनाने में जो लागत लगी है वो 1 करोड़ रुपए की लगी है। तो जो पंडाल है वो इस बार का बहुत ही जबरदस्त आपको देखने को मिला हमारे वीडियो में। अच्छा कौन सा लगा, सबसे ज्यादा प्यारा कौन सा लगा, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर करिएगा। और जैसे ही दुर्गा पूजा के पंडाल खुलते हैं तो उसका भी सबसे पहला व्लॉग आपको हमारे ही चैनल में मिलने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।